अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और SOPs को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर एक अहम ब्लॉक के बारे में आपको टूर करवाना चाहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहें। नाज़रीन, रफ़ी ब्लॉक का आपने शायद नाम सुना होगा, बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर ये बहुत पुराना और मशहूर ब्लॉक है। इसके इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है और जिस तरह आपने इसे मूवी इसके वीडियो क्लिप्स के अंदर और तस्वीरों में आपने अंदाज़ा लगाया, ये स्लोपी एरिया है। तो ये दूसरी इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये क्योंकि चूँकि पुराना ब्लॉक है, इस वजह से यहाँ शुरू शुरू में बहरिया ने इसके रोड भी बड़े कुशादा और खुले रखे हैं। हालांकि यहाँ पे 5 और 7 मरले के घर अवेलेबल हैं, चाहे आपने परचेज़ करना है या रेंट पे लेना है। लेकिन ये कि परचेज़ के लिए यहाँ घर बहुत ही कम हैं, लेकिन रेंट पे आपको घर मिल सकते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ प्राइजेज़ है रेंट के। तो अगर आपने 5 मरले का एक घर आपने रेंट पे लेना है पर मंथ पोर्शन का, तो उसका आपको 20,000 रुपये किराया अदा करना पड़ता है। अगर लोअर पोर्शन का किराया थोड़ा सा ज़्यादा है 20,000 रुपये और ऊपर अपर पोर्शन का किराया 15,000 रुपये तक है। ये मैं आपको 5 मरले घर का आपको बता रहा हूँ रेंट का। इसी तरह आपने 7 मरले घर आपने रेंट पे लेना है तो नीचे वाले ब्लॉक का आपको 25,000 रुपये और ऊपर वाले पोर्शन का आपको 20,000 रुपये देने पड़ते हैं। इसी तरह नाजरीन, अगर आपने यहाँ पर घर ख़रीदना है तो 5 मरले का घर आपको 80 से 1 करोड़ के दरमियान आपको मिल सकता है। इसी तरह आपने 7 मरले का घर परचेज़ करना है तो वो आपको 1 करोड़ और 1 करोड़ 20 के दरमियान आपको घर मिल सकता है। क्योंकि हाँ, ये बहुत पुराना शुरू में बना था ये ब्लॉक, इस वजह से काफ़ी पुराना ब्लॉक है, लेकिन घर बहुत अच्छे हैं। और साथ साथ ये इसकी में एक सबसे बड़ी खामी जो मैं बयान करना चाहूँगा रफ़ी ब्लॉक की, वो ये है कि ये यहाँ पे जो लैंड है वो फिलिंग है ज़्यादातर। तो इस वजह से अक्सर ये देखा गया है कि जिले के दौरान तो ये काफ़ी 2-3 घर यहाँ पे बैठ गए हैं, ज़मीन के अंदर धंस गए हैं। इस वजह से ये बहुत बड़ा रिस्की है, कुछ जगहों पे ऐसा है, सब जगह ऐसे नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये यहाँ पर ये बड़ा इशू है। बाकी वैसे तो रफ़ी ब्लॉक बहुत खूबसूरत ब्लॉक है, इसका व्यू भी माशाल्लाह बहुत शानदार है, घर भी अच्छे बने हुए हैं। नाज़रीन, आप उम्मीद है आपने इस वीडियो के अंदर रफ़ी ब्लॉक का टूर का इंजॉय किया होगा। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो और इंशाल्लाह आइंदे एक नए एक प्रोजेक्ट के साथ आपके खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।